तो है गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। होप करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो गए। तो यार सीन कुछ ऐसा है ना, अभी अभी मेरे पे माइकल का फोन आया। माइकल ने मुझे बोला कि भाई जल्दी मेरे से मिलने आ जा, और तू मिलने आया ना तो थोड़ा मतलब अपने कपड़े अपड़े ढंग के पहन लियो, क्योंकि तुझे वहां से कहीं जाना। तेरे को मैं एक काम सौंप रहा हूँ बहुत बड़ा, क्योंकि मुझे थोड़ा अर्जेंटली बाहर जाना पड़ रहा है एक डील के लिए। तो कह रहा है भाई तू अभी इस मिशन करने के लिए तुझे जाना होगा, मतलब एक काम है तो तू वहाँ पे आ जाओ। मास्क वास्क मैं तुझे अपनी तरफ से दिलवा दूंगा, यहाँ पे मैं जानता हूँ एक को जो आप तेरे को मास्क दे देगा, तो तू जल्द से जल्द मेरे पास आ जा। तो भाई सबसे पहले अपन कपड़े बदलते हैं और चलते हैं माइकल के पास। तो भाई लोग अपने बेसिक से कपड़े पहन लिए हैं अभी, बाकी तो वहाँ पे जाके देखना पड़ेगा कैसा क्या सीन है। और मतलब कोई वैसे कपड़े चाहिए होंगे थोड़ा, मतलब डील डील टाइप की होगी तो थोड़े सूट वूट अपन रास्ते से ही ले लेंगे। वैसे देखते हैं, बात करते हैं माइकल से जाके कि क्या सीन है भाई, मुझे क्यों इतना जल्दी में बुलाया है। और यार सबसे पहले अपन बाहर निकलते हैं, मैं उल्टा अंदर जा रहा हूँ। मैं भाई अपनी इस गाड़ी से जा जाके ना बोर हो गया हूँ। मैंने अभी अभी कल मतलब एक गाड़ी ली अभी एक फ्रेंड से, मैं कि टेस्ट ड्राइव करके देखते हैं भाई कैसी गाड़ी है तेरी। तो अगर मुझे पसंद आई तो ये मतलब फुल आर्मर्ड गाड़ी है, सबसे बड़ी बात ये। तो मैंने भाई ले लिया, मैंने कि चलो पहले देखूंगा तेरी चला के, मुझे पसंद आ गई तो मैं भी एक ले लूंगा अपने लिए। क्योंकि तो भाई देखो अभी आना थोड़ी बहुत डील्स हुई अपनी तो काफ़ी अच्छा पैसा, थोड़ा प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट किया है मैंने। और थोड़ा बहुत सोच रहा हूँ मैं भाई अब ना अपन ले भी लें थोड़ा बहुत, अपनी गाड़ी वाड़ी भी ले लें, थोड़ा शौक पूरे होने चाहिए यार। तो चलो यार सबसे पहले ना अपना बिना देरी के सबसे पहले माइकल के पास जाते हैं, उससे बात करते हैं भाई क्या सीन है, क्यों दुखी कर रखा है मुझे। तो भाई अभी अभी अपन लोग माइकल से ही बात कर रहे हैं, और मैंने उससे बोला भाई कहाँ पे है तू, तो उसने मुझे अपनी लोकेशन भेज दी कि भाई जल्दी से जल्दी तू मेरे पास आ जा। तो जल्दी से जल्दी अपन माइकल के पास पहुँचते हैं, क्योंकि भाई मुझे सही में नहीं पता यार इस बार क्या मैटर बिताने वाला। मुझे तो पता है जब भी फोन आता है माइकल वगैरह को मुझे टेंशन हो जाती है भाई, ये कोई खतरनाक काम ही कराएंगे इन लोगों को। मतलब छोटे मोटे काम में तो भाई ये लोग बुलाते ही नहीं है, मतलब बुलाते क्या, ये खुद ही नहीं करते तो मुझे क्या बुलाएंगे भाई। अपने लिए कोई रेड सिग्नल नहीं है, अपन स्टॉप छोड़ते हुए जाएंगे, और माइकल भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही में था। कह रहा तेरे घर के पास ही था, मैं थोड़े बाल कटा रहा था। कह रहा जल्दी से जल्दी आ जा भाई, बाकी अपनी डील की बात कर लेते, क्योंकि तुझे जाना होगा अर्जेंटली, मतलब ज़्यादा समय नहीं है तू आ, क्योंकि तेरे को एक काम देना है और उससे वो तू ही कर सकता। और एक यार वो तो अभी समझ, थोड़ा शहर में अपन को शांति बनाए रखनी है, इस वजह से भाई अपन गोली वोली नहीं चला रहे हैं। अब मोड़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहाँ खड़ा हुआ है भाई, ये देखो आ जा भाई। अब बता दे किस मैटर में बिताने वाला है तू मुझे। एक तो भाई इतनी आराम से आता ना, मुझे गुस्सा आ रही है यार, तू आ नहीं पा रहा। मुझसे कह रहा था कि भाई जल्दी से जल्दी आ जाइयो, मेरे को बहुत जल्दी निकलना है यहाँ पे, मजे से आ रहा है भाई खुद। तो भाई माइकल भाई बोला कि सबसे पहले चल के तू गन्स वगैरह ले ले, तेरे को गन्स की बहुत जरूरत पड़नी होगी, और वहीं पे मैं तेरे लिए मास्क वास्क की जुगाड़ करा दी है। तो गन स्टोर में जा, तू पहले गन अन ले जो तुझे पसंद है, और वहीं से तू भाई मास्क वास्क ले लियो, जो भी मदद तुझे चाहिए होगा वहाँ पे सब तुझे मिल जाएगा, दो तीन तुझे पसंद के हैं। और जल्दी से जल्दी बाहर आ, फिर मैं तुझे मिशन भी समझाना है। तो भाई अपन जल्दी से जल्दी जाते हैं, गन्स फुल करते हैं और मास्क वास्क पहन के आते हैं, देखते हैं भाई अब क्या मैटर फंसने वाला है। तो भाई लोग अपन ने गन वगैरह फुल कर ली है, और माइकल भाई ने देख रहे हो कैसा मास्क लगा है, मुझे बंदर बना दिया है। और बाकी मास्क तो ऐसे थे ना कि पूरी पूरी शक्ल दिख रही है। तो उसने मुझे बोला भाई ये पहन जाओ, आपको मतलब किसको पता लग रहा है कि आप हो। तो भाई सबसे पहले अपन चलते हैं माइकल से, मैं बात करता हूँ। तो भाई सीन कुछ ऐसा है, माइकल ने जो अभी अभी अपन को एक लोकेशन बताई है, कह रहा वहाँ पे चलो, तो मैं वहाँ पे जाके करनी होगी हमारे यहाँ का जो सबसे बड़ा डायमंड कसिनो है वहाँ पे चोरी। कह रहा मतलब भाई ये काम तू ही कर सकता, मैं कर लेता अगर मेरे पे टाइम होता, बट मुझे बहुत अर्जेंटली जो मैंने अभी अभी एक टैंक वगैरह मतलब मैंने इंपोर्ट कराया इंडिया से, वो डिलीवर करने जाना है, क्योंकि जो वो काम मुझे टैंक से था वो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो मैं किसी और को दे रहा हूँ वो टैंक। तो उसने कही कि भाई तुझे ये काम करना होगा, मुझे जल्दी से जल्दी निकलना है, क्योंकि और किसी के हाथों नहीं भिजवा सकते उस टैंक को। क्योंकि देखो नॉर्मल था तो इम्पोर्ट कहीं भी तुम करा सकते थे, बस उसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें तुमने मॉडिफाई कराई है ना वो टोटली इलीगल है, तो बहुत चालाकी से ही तुम्हें उसको इम्पोर्ट करना होगा, मतलब दूसरी जगह जहाँ मुझे जाना तो मुझे जहाँ जाना होगा। तो कह रहा भाई कि तू यहाँ पर मुझे छोड़, मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, और तू भाई जा जाके बात कर पूरी चीज़ समझ, और क्योंकि तुझे ये मतलब डायमंड कसिनो में जो है चोरी करने निकलना है। कह रहा तू टेंशन मत ले, पूरा प्लान सेफ है, मैं तो सब समझा करूँगा, मैं तेरे संग ब्लूटूथ पे कनेक्टेड रहूँगा। तो भाई देखो अपन माइकल भाई को छोड़ते हैं यहाँ पे, और अपन निकलते हैं अब मिशन के लिए। सीन कुछ ऐसा है ना, अपन उस जगह पे आ गए हैं जहाँ पे अपन को मिशन के बारे में आगे जानना है। ये देखो ये बेवकूफ़ पीछे के रास्ते से अपने पीछे पीछे आ गए, चलो कोई नहीं आन दो भाई, इसको भी आना है तो आन दो। अभी अपन को जाके पहले सबसे पहले समझना है भाई कि कहाँ पे क्या सीन है। तो उन्होंने बोला भाई मैनेजर ऑफिस में आओ, वहाँ कहीं देखो कुछ सेटिंग बैठेगी तुम्हारी, तो मुझे नहीं लग रहा यहीं पर कुछ नहीं। ओहो यहाँ से बेसमेंट का एक्सेस है, मतलब सब कुछ देख रहे हो अब, सब कुछ एकदम हिडन है, बेसमेंट बेसमेंट में जाने का रास्ता रास्ता।
साहब एक तो ओ भाई साहब देख रहे हो कितना हिडन टनल है भाई, यहाँ पे अपन को जाना होगा, यहाँ पे थोड़ा वो समझेंगे ना, बात मेरी चल रही है, मेरे को सब समझा रहे हैं जितने भी, अपना पूरा ग्रुप है ना भाई, वो मतलब जुड़ा हुआ है अपने साथ फोन पे, तो वो अपन को सब समझा देगा। ये सीसीटीवीज है भाई, मतलब देख रहे हो यहाँ यहाँ से बच के रहना है, और यहाँ कौन है कोई नहीं, ये सब सीसीटीवी फुटेज वगैरह रिकॉर्ड हो रही है, मतलब ओहो ये रहा वो अपना प्लान जो अपन को मतलब देखना है, तो भाई अपन को समझना होगा। तो मतलब ऐसा है भाई, अपन को पूरा समझा दिया है, माइकल भाई को मैंने भगा दिया, मैंने कि भाई तू जा, वैसे तो मेरे से बड़ा बोल रहा था कि तो ये जाना है जाना है, और अपन को ये वैन लेके अब जाना है वहीं पे जहाँ अपने डायमंड कसिनो है। मतलब ये वैन ऐसा है कि इसमें में सबको लगेगा कि भाई उन्हीं के ही आदमी आए हैं, उन्हीं का कैश वैश लेके जा रहे हैं, तो जल्द से जल्द अपन पहुँचते हैं भाई डायमंड कसिनो जैसा है ना, जहाँ अपन बिल्कुल डायमंड कसिनो के पास हैं, और अपन को बिल्कुल सोच समझ के जाना होगा, क्योंकि देखो भाई सीन ऐसा है ना, यहाँ पे फंस गए तो बहुत ज़्यादा ही बड़े मैटर में फंस जाएंगे। मतलब ये यार एक तो ये माइकल भाई की बात है, मुझे कुछ समझ नहीं आता यानी किस किस चीज़ों में फंसा देता है मुझे। तो भाई लोग मतलब शहर के जितने भी रईस हैं ना, सब यहीं आते हैं अपना कसीनो में गेम वेम खेलने, थोड़ा मज़े करने। अब मुझे सबसे पहले देखनी होगी पार्किंग की रास्ते, क्योंकि मुझे भी नहीं पता भाई कहाँ से क्या एंट्री है, पहली बार आ जाऊँगा यार, इन लोग के पास एक मैप्स के जरिए चल रहा हूँ, यही शायद वो टनल है जहाँ पे अपन को जाना था, और यही है क्या वो रास्ता, यार लग तो यही रहा है। अब एंट्री कैसे लेंगे मुझे ये नहीं पता। ओ पहुंच गए, तो Now भाई play it cool. अपन को जाना है Only इंस्पेक्शन पॉइंट usual को, यहाँ पे day-to-day बिल्कुल हरकत नहीं delivery करनी job. है, मतलब यहाँ Now पे this अगर is तुमने about हरकत करी time. तो ये समझ लो तुम्हारे लग गए। और माइकल कह रहा है भाई इतना बड़ा वाला है, खुद तो कर नहीं रहा, मुझसे कह रहा है कि भाई इसमें मैं भी हिस्सा लूंगा, क्योंकि मैंने तो इतना मिशन बड़ा मिशन दिलवाया है। मैंने कि चल भाई कोई नहीं, तू अपना भाई है ले ले, क्या ही दिक्कत है तुझसे, पर मेरे को ये मिशन पहले करने तो मुझे ज़्यादा टेंशन हो रही है, इतना बड़ी चोरी करनी पड़ी होगी बिना गैंग के, मतलब कोई प्लान नहीं था भाई, मैं तो बस घर पे अपने खेल रहा था। ओ भाई ठीक है, उसने मुझे बता दिया कि अपन को लोडिंग बे में जाना है, तो सबसे पहले तो अपन अपना ये जो ट्रक है इसको यहीं पार्क करते हैं, या देखते हैं ये जाने देंगे नहीं जाने देंगे। नहीं भाई अपन को यहीं जाना होगा। ओ भाई साहब अपने बिल्कुल मतलब इन लोगों को शक नहीं हो रहा है क्या भाई, कि मैं मतलब मैं कैसा बन के आया हूँ, मुंह क्यों छुपाया है मैंने, पर भाई अपन को क्या, अपन तो जितना इन लोगों की नज़रों से छुप के रहो ना उतना बेटर है। यही है क्या हमारा बेसमेंट, तो अपन बेसमेंट के लिए लिफ्ट में आ चुके हैं, अपन लिफ्ट के यूज़ से जाते हैं अपन बेसमेंट में। ओ भाई यहाँ तो कोई नहीं है, मुझे मतलब ज़्यादा खाली जगह पर भी ना एकदम ज़्यादा टेंशन सी हो जाती है। की कार्ड यूज़ करने को बोल रहे हैं, यहाँ पे अपन को की कार्ड मारना होगा अपना, जल्द से जल्द मुझे मिशन करना है भाई, मैं समझ गया अब की कार्ड की एंट्री कहाँ कराऊँ, यहाँ तो कुछ नहीं है। अब भाई वो मुझे एक तो बोल रहा है कि भाई सिक्योरिटी चेकअप्स हैं, अपने आप को ही चला जा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई यहाँ पे अपने को अपना कार्ड लगाना है, जो अपने को कार्ड दिया गया था, जो भाई ये बहुत जुगाड़ वाले हैं, पर भाई मतलब समझ रहे हो इतना सिक्योरिटी वाली जगह में बिल्कुल आसानी से मतलब एकदम घुस जाते हैं। और भाई अपन ने एंट्री तो ले लिया, जितना जल्दी हो सके चोरी करके निकलना है, और मुझे पता है भाई पूरी तरीके से पुलिस वुलिस आएंगी, पर उसका भी इन लोगों ने जुगाड़ मुझे बता रखा है, वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, वो आप देखते जाइए मैं कैसे निकलता हूँ, मतलब बहुत दिमाग वाले लोग हैं। और भाई अपन को जल्दी जल्दी पहुँचा, देख रहे हो कितनी बड़ी टनल बनाई है पर इन लोगों ने, मतलब भाई इतनी सिक्योरिटी के बाद भी हम लोग अगर चोरी कर रहे हैं ना, तो मतलब हम लोग लेजेंड है भाई, फिर हमसे बड़ा कोई नहीं है। और माइकल ने मुझसे एक बात बोली कि भाई तू मत जाइयो, मतलब तू मुझे मत दियो पैसा था, मैं तो निकल रहा हूँ, माइकल निकल रहा है बोल रहा है, मैं फ़ोन पे हूँ अभी तेरे साथ, बट मैं तो ये बता दूंगा तुझे तो पैसा कहाँ ड्रॉप करना है। और भाई देख रहे हो ना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तुम खाली शकल दिखा के आओ, तुम शकल छुपा के आओ, ना कोई मतलब ही नहीं है। और कह रहा है वो बारी डोर है। ओ भाई साहब ये दिया एक मौका इसमें, आओ अपन को जितना जल्दी हो सके निकलना है, क्योंकि हल्का सा भी शक हुआ ना भाई तो अपने लग जाएंगे। भाई सबसे पहले लूट लो जितना लूट सकते हो, भाई देख रहे हो पैसा, भाई जल्दी जल्दी बल्ले जितना जल्दी हो सके अपन को निकलना है भाई, जहाँ से आज चोरी करने, मतलब देखते जाओ कहाँ कहाँ गली चोरी है भाई, और भाई जितना जल्दी हो सके चोरी करनी हो। पैसा देख रहे हो अभी कितना आ गया भाई, पूरा लूट ले जाऊंगा इन लोगों को, तो जरूरत पड़ी तो फिर से आएंगे यहाँ पे लूटने, मतलब सोच रहे इतनी सिक्योरिटी के बाद भी अपनी इतनी तगड़ी टीम है, इतनी आसानी से इन लोगों ने यहाँ पे प्लान बना दिया भाई, जल्दी लूट ले कितना देर लग रहा है एक बार में बल्ले भाई, एक तो गड्डियाँ नहीं संभाल पाते ये लोग, भाई बढ़ता है यार जल्दी, एक तो बंदर की शक्ल का आ गया तू ऊपर से। चलो भाई अपनी वीकली इनकम के मैसेज आ गए अपना जो सी है,
और भाई और जल्दी जल्दी बनना है। और भाई कहाँ है और पैसा बताओ मुझे, यहाँ तो कुछ नहीं है क्या? ये भी भर सकते हैं क्या? नहीं ये नहीं भर सकते भाई, यहाँ तो मुक्के मार रहा है बेवकूफ। ये लूट, अबे लूट गधे। तो भाई जितना जल्दी हो सके लूट लो, जितना लूट सकते हो भाई, बहुत पैसा है यहाँ कसम से। मुझे तो भाई जितना लूट पाऊंगा ना लूट लूंगा, जितना जल्दी हो सके यहाँ से गायब होना है। और भाई अभी तक तो मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल शांत माहौल है, इन लोगों को पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। मतलब मेन अपन वर्ल्ड के अंदर है, तो मेरे ख्याल से इतना कोई इन लोगों को फर्क, मतलब इन लोगों को पता तो शायद लग रहा होगा, सिक्योरिटी रखे ही होंगे ये। और भाई अपने को नेविगेशन भी आ गया कि कहाँ कहाँ है, और तिजोरी भाई हैक करना होगा यहाँ पे अपन को। अब जल्दी से हैक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मतलब ये तो गेम में ही नहीं था। ओ अपना एक और पार्टनर पूरा हैक कर दिया भाई। तो भाई अपन ने बड़ी मुश्किल से इसको हैक करा है, मतलब अपन ने क्या अपनी पूरी टीम ने इसको हैक किया है भाई। यहाँ पे तो अपन कुछ लूट नहीं मिल रही है, अपना पोपट हो गया क्या? ओहो पेंटिंग भाई, ये लगता है कोई मतलब बहुत महंगी पेंटिंग है, वरना ये ऐसा नहीं है कि भाई पेंटिंग को काट के ले जा रहे हैं भाई अपन। मतलब एकदम मतलब पेंटिंग तक को चुराने को बोला है यार। सोच रहे हो कितनी बड़ी मतलब एक्सपेंसिव पेंटिंग हो गई है जो अपने को पेंटिंग चुराने को बोला गया है। तो भाई ये पेंटिंग जल्दी से जल्दी रख लो, इस पेंटिंग के लिए इतना मतलब समझ लो इतना कर रहा कोड लगा था वो, अपन ने बड़ी मुश्किल से हैक किया सिर्फ उस एक पेंटिंग के लिए। और भाई अपन यहाँ से निकलते हैं, जल्दी खोल भाई हमें और भी तिजोरियाँ लूटनी है। तो भाई अपन ने दूसरा भी ना जो जल्दी से जल्दी हैक मार दिया, इसमें भी अपन को ये पेंटिंग चुरानी है। मतलब ये भाई बहुत तगड़ी पेंटिंग होगी तभी अपन को चुराने को बोल रहा। देखते हैं अपनी टोटल मतलब जो अपन लूट मारते हैं यहाँ पे कितनी बड़ी लूट होती है। और भाई बहुत सावधानी से पेंटिंग काटनी पड़ रही है, जरा ऐसी की तैसी होगी मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि भाई एक साधारण काम भी नहीं कर पाए। तो भाई जल्दी से जल्दी पेंटिंग रख लेते हैं, जल्दी से जल्दी बढ़ते हैं अगली लूट की तरफ, क्योंकि मतलब हैक करना पड़ा ना एक तो हर जगह। भाई सिक्योरिटी तो भाई सही में इन लोगों ने रखी है, मुझे ऐसा तो नहीं यार वहाँ पे कोई एक आध छोड़ दी हो। मुझे लगता है एक बार मुझे उस वाले में भी जाके देख लेना चाहिए, कैसा ना हो कि यार अपन ने एक आध पेंटिंग ही छोड़ दी हो। क्योंकि देखो हर पेंटिंग है ना अपन जो चुरा रहे हैं कोई सस्ती मद्दी चीज़ तो नहीं है, मतलब सारी पेंटिंगों की कीमत ना लाखों करोड़ों में, मतलब मिलियन डॉलर्स में उनकी कीमत है, समझ रहे हो? तो ऐसा वैसा बात नहीं है भाई, मतलब हर पेंटिंग तो अपन को लेनी पड़ेगी। और जल्द से जल्द देखते हैं भाई वो अगली पेंटिंग, अगर मतलब बाई एनी चांस मैंने उस वाले मैन ट्रैप में से वो पेंटिंग छोड़ दी हो। मेरे ख्याल से वो यही दशा है जहाँ से अपन ने एक पेंटिंग चुराई थी। नहीं नहीं भाई अपना काम परफेक्ट है, इधर कोई नहीं है। एक आखिरी वॉल्ट है जो अपन को हैक करना है, जहाँ से अपन को चोरी करनी है, वो रहा है अपने जस्ट सामने। और भाई जल्दी से जल्दी यहाँ से अपन चोरी करते हैं, निकलते हैं, देखते हैं आगे क्या प्लान है। डायमंड बना रहा, शायद वहाँ पे भी अपन को चोरी करनी होगी। और यहाँ पे मैं पूरा ये लोग हैक करने में मदद कर रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत आ नहीं रही है, तो चलो अपन उसको भी हैक करते हैं जल्द से जल्द। तो भाई जो अपना आखिरी वाला वॉल्ट था वो भी अपन ने हैक कर लिया है। यहाँ पे भी पेंटिंग है, मतलब यार पेंटिंग चुराने को बोला यार, मुझे लग रहा कैश चुराने, मतलब भाई देखो पेंटिंग मैं मानता हूँ बहुत कीमती होंगी, बट ब्लैक मार्केट में क्या मालूम उतनी कीमत ना मिले इनकी। तो अपना कैश होना तो कैश का अलग मजा है, चलो फिर भी भाई पेंटिंग कोई सस्ती मती तो है नहीं। जितनी ज़्यादा लूट हो सके उतनी ज़्यादा लूट लेके निकल लो भाई, पूरा रेडी रहना पड़ेगा यार। देखो अगर पुलिस आई तो अपन को भी फायरिंग करनी पड़ेगी, पुलिस नहीं आई तो भाई कोई ऐसी खास दिक्कत है ही नहीं। बट उसका तो भी एक अपन ने प्लान बनाया, अगर वो मतलब समझ रहे हो ना, अगर वो हो गया जैसा हम लोगों की टीम का पूरा प्लान है, अगर वो हो गया तो समझ लो भाई तो मैं बिना एक गोली नहीं मचलाए भी मैं चुपचाप सीधा निकल जाऊंगा। पर वही भाई कोई भरोसा नहीं है कि अलग ही मैटर पड़ जाए या गोलीबाजी करनी पड़ जाए, तो उसके लिए भी ज़्यादा मैं भी उसके लिए भी हम प्रिपेयर हैं भाई। और ये मैं उल्टा कहाँ जा रहा हूँ यार, सोना होना नहीं मिल लगेगा, सोने की पिंक गायब कर लूँ। अब भाई देखो अपन ने चोरी वोरी सारी कर ही दी लगभग, अब मेरे ख्याल से मुझे बाहर ही जाना है, तो अपन बाहर निकलते हैं भाई अब, क्योंकि अपन ने चोरी तो सारी कर ली है भाई। अभी ये भी हैं जो अपन को चुराना, ये हैं डायमंड्स अपने भाई, ये कैसे भूल गया मैं, वही मैं कहूँगा यार कुछ तो छूट रहा है, तो मुझे वहाँ से उल्टा वापस आना पड़ा। इतने डायमंड देख रहे हो, ऐसे वैसे नहीं है, आप देखते जाओ कितनी चोरी कर ली है अभी अपन लोगों ने, और फुल अय्याशी होने वाली है। एक बार यहाँ से निकल जाऊँ बस जिंदा, इन लोगों के चक्कर में भाई एक आध बार मरेंगे, बट जब तक लाइफ में दोस्तों के संग रिस्क ना हो तब तक जीने का क्या ही मजा है। तो भाई देखो अपनी ये चोरी भी सक्सेसफुल हो गई है, तो अपन चलो यहाँ से निकलते हैं अब। और भाई जैसे ही मुझे लगता है ना कि यार चोरी खत्म हो गई, वहाँ से ऊपर से ये लोग बोलते हैं भाई अभी कहाँ, अभी तुमने शुरू किया है, अभी एक दो जगह और हैं जहाँ तुम छोटी मोटी चीज़ें लूट लिए, मेन माल छोड़ा होगे तो कैसे काम चलेगा, अपनी पूरी टीम क्या खाएंगे क्या पियेंगे भाई, अभी अपन को बहुत अय्याशी करनी है, महंगी महंगी गाड़ियाँ लेनी है,
तो भाई वो कह रहे हैं कि तुम अभी शांति से चोरी करते रहो, बता दे रहेंगे, क्योंकि जो हमने सब लोकेट कर रखा है, जो जो मेन मतलब मेन सामान जहाँ यहाँ है, कह रहा तुम बस चुराओ भी एक आध एक आध जगह और शायद है, तो कह रहे हैं भाई वहाँ भी लूट लो, निकलो यहाँ से जल्द। तो भाई अपन लोगों ने पेल के चोरी वोरी कर ली, अपना समय आ गया, यहाँ से भागते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लूट अपन ने ले ली है, अब अपन को भागना होगा। देखते हैं भाई चुपचाप निकल पाए तो ज़्यादा सही है, क्योंकि अगर इन लोगों ने बैग चेक कर लिए कि भाई बैग में क्या है, तो भाई अभी मैं गन नहीं निकाला हूँ, पूरी रेडी रखा हूँ मैं पॉकेट में, भाई ज़रूरत पड़े तुरंत निकाल के फायरिंग दो। और मैं तो पूरा प्लान में यही हूँ कि जितना शांति से हो सके ना उतना शांति से निकल जाओ, ताकि मैटर में ना ही फंसे ना, तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मतलब फंस गए तो ज़्यादा ही दिक्कत हो जाएगी, तुम्हें बिल्कुल ही भागना पड़ेगा, रश करना पड़ेगा, मर मराने की भी चांसेस है। मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है, पर कोई इतनी खास पावरफुल वाली नहीं फेंकी हो अभी भाई, अभी कोई ऐसा है नहीं। चुपचाप सीढ़ियों की तरफ अपन निकलते हैं, अभी तो इन लोगों ने इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो अपन बिल्कुल शरीफों की तरह निकलते हैं, क्योंकि जरा भी इन लोगों को शक हो गया कि भाई ये क्या करके आया है ना अंदर, तो सही बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा मैटर करना पड़ जाएगा अपन को यहाँ से। भाई यहाँ कोई नहीं है, वहाँ से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भाग लो। और यहाँ पे भाई अपने सीढ़ियों के लिए बोला गया अपन से, तो मेरे ख्याल से ये सीढ़ियों का रास्ता, और अपन जल्दी से जल्दी चल। ओ भाई पूरी सिक्योरिटी अलर्ट हो गई ऊपर, शिट। हाँ अब भाई बिल्कुल मतलब, ओ भाई अब बिल्कुल ही बात कर रहे हैं अपन, बिल्कुल भी सीक्रेटली, देखते हैं जितना निकल पाए निकल लेते हैं, तो देखते हैं भाई क्या सीन है। अब इसने मुझसे जाने क्या बोल दिया है भाई, मुझे ऊपर जाना है नहीं जाना कुछ समझ नहीं आ रहा है, कह रहे ऊपर जाओ वहाँ पे तुम्हारे लिए कुछ जुगाड़ हम किए हैं, मेक योर वे टू, चलो जल्दी से जल्दी पहुँचते हैं भाई अपन लोगों की, अगर फंस गए तो ज़्यादा बड़ा मैटर हो जाएगा। और यहाँ पे भाई अपना मेन गेम है, बस हो जाए भाई जो अपन ने सोचा था, एक बार जल्दी से जल्दी पहुँचते हैं भाई, इसके अंदर जाना है अपन को लॉकर्स में, और अब अपन को जल्दी से जल्दी बदलने अपने कपड़े। भाई कहाँ रखे हैं अपन ने कपड़े, यहाँ पे अपना कपड़ा रखा है, तो अपना जो गेम प्लान है वो ये है, अब अपन निकलेंगे पुलिस बन के इससे बाहर, और अगर पकड़ गए भाई तो बहुत बहुत मार पड़ने वाली है, पर अगर अपन पुलिस बन के पकड़े हैं तो भाई ये लोग फिर इतना शक नहीं करेंगे। अब भाई जल्दी से अपन जल्दी 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 से जल्दी अपन लोग बाहर ही निकलते हैं यहाँ से। तो भाई लोग अपन लोग बिल्कुल एग्जिट पॉइंट पे आ गए हैं, और अभी अपना बिल्कुल नहीं पकड़े गए, क्योंकि भाई जो अपने को बैग पकड़ाया गया था वो बिल्कुल सिक्योर था। अब भाई बाहर के हालात देखते हैं क्या है, ओ भाई पूरी तरफ से सिक्योरिटी है, ओ भाई यहाँ भी पुलिस खड़ी हुई है, चुपचाप से एक्ट करते हैं। ओ ओ शिट शिट शिट, मुझे लगा भाई मेरे पे शक हो गया, पर ये तो भाई कहीं और ही भाग लिए, मेरे को सही में ये लगा है, तो या तो शायद ही अपने ही आदमी है जिन्होंने पुलिस को बिता दिया। अपन भाई जल्दी से जल्दी बिना मैटर किए निकलते हैं गाड़ी लेके, क्योंकि अपन को नहीं फंसना है, पहले स्पीडी की गाड़ी लेके निकलते हैं, क्योंकि वो इस समय मुझे सबसे ज़्यादा सेफ लग रही है, और मैं उल्टा कहाँ जा रहा हूँ भाई, अपन को इधर ही जाना है जहाँ पे पूरी LSPD खड़ी हुई है, मतलब बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ मैं सही में, अगर हल्का सा भी शक हो गया तो मैटर हो जाएगा। एक हूटर बजाते हुए निकलते हैं पुलिस का, भाई इनका हूटर ही ख़राब है, इनका हूटर ही नहीं बज रहा है, और ये बिल्कुल रास्ता ब्लॉक कर दिया इन्होंने, तो भाई एक काम करता हूँ मैं, देखता हूँ कोई और रास्ता हो, वरना एक काम करेंगे LSPD को यहाँ खड़ा करते हैं। वो मिल गया अपन को एक रास्ता, ये वाला रास्ता ब्लॉक है, पर ये वाला अपना रास्ता खुला हुआ था, तो एक काम करते हैं पहले यहाँ से निकलते हैं जल्दी से जल्दी। ओ भाई ये तो इनकी LSPD की गाड़ी ऐसी है, थोड़ा दूर जाते ही मैं सोच रहा हूँ भाई गाड़ी चोरी करते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे भी इतना कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई देख भी नहीं रहा है। भाई जल्दी से जल्दी गाड़ी बदलो और पहुँचते हैं जहाँ पे अपन को जाना है मेन, क्योंकि उसे एक बार दे दिया ना अपन ने तो अपना सारा टेंशन ख़त्म हो जाएगा। भाई यहाँ पर ये नमूना देख रहा है, इसके सामने तो चोरी नहीं कर सकता ना, वो अल्लाह हो गया कि भाई पुलिस वाला आया था चोरी करके ले गया गाड़ी, तो ज़्यादा मैटर हो जाएगा, बट ये गाड़ी में सख्ती लग रही है, अपनी ये वाली गाड़ी चला के जितना जल्दी हो सके अपन पहुँचते हैं भाई जिसको अपन को ये देना है लूट, और अपन अपना इस्तेमाल करते हैं शेयर, तो पहुँचते हैं चलो भाई जल्दी से जल्दी उसके पास। ओ भाई सामने से पुलिस आ रही हो, मुझे लगा कि मुझे ही पकड़ने ना आ रही हो, तो भाई अपन उल्टा जा रहे हैं, सबसे पहले तो यहाँ से गाड़ी मोड़ते हैं, जल्दी से जल्दी उसके पास पहुँच के उसको लूट देते हैं। तो भाई लोग जाने कहाँ रेल ट्रैक से आके मैं इसके पास पहुँचाऊँ, ये जाने कहाँ घुस के रहता है, जहाँ इसको मुझे सामान डिलीवर करना है, भाई मुझे नहीं लगता यहाँ से गाड़ी जा पाएगी। तो भाई है रास्ता, है रास्ता है, अपन यहीं से गाड़ी घुसाएंगे, अपना अलग ही रोल है, और सबसे पहले पहुंचते हैं कहाँ है वो बेवकूफ, उसको देते हैं। ओ भाई शिट, मेरे पे किसने फायर कर दी भाई,
लगता है मैं बिना बताए आया, तुम लोगों को पता नहीं था इसलिए मेरे को फायर कर दी। बच गया मैं यार, ये बेवकूफ़ लोग हैं क्या? और अपने को भाई अपना हिस्सा मिल चुका है, उसको उसका हिस्सा मिल गया है, तो भाई अच्छी खासी अपनी लूट होगी, अच्छी खासी अपनी कमाई होगी, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं। तो भाई मतलब कपड़े भी छीन लिए यार, ये नहीं कि नंगे कपड़े देते हैं। चलो भाई, तो यार अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना यार, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर जरूर करना यार। तो जल्द मिलेंगे यार बहुत ही क्रेजी अगली वीडियो के साथ।